जश्न में डूबा शहर हर और गूंजा हैप्पी न्यू ईयर। आसमान पर पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी, जमीन पर जश्न से थिरके लोग का करवा, सबकी जुबान पर हैप्पी न्यू ईयर की धुन। होटलों, क्लबों, रेस्टोरेंट में और पार्क में सड़कों पर सजी महफिलें, नए साल के इस्तकबाल का समा बांध दिया। शहर में जश्न के बीच में साल का स्वागत किया गया। देर शाम से लेकर आधी रात तक शहर में धूम धड़ाका माहौल रहा। नए साल का जश्न मनाने के लिए होटलों और क्लबों में विशेष आयोजन किए गए। होटल हॉलिडे रेंसी में दिल्ली के डांस ग्रुप ने महफिल सजाई, कलाकारों ने साथ, दर्शक भी जमकर झूमे। सतरंगी रोशनी के बीच आधी रात के 12 बजे तक मस्ती व धमाल की छटा बिखेरी। मुरादाबाद क्लब में सदस्यों ने परिवार के साथ फनकारों की प्रस्तुति का लुत्फ़ उठाया। प्रेम वंडरलैंड स्थित होटल क्लार्क इन में डांस ग्रुप ने जलवा बिखेरा। मिड टाउन क्लब में रंग बिरंगी रोशनी के बीच नए साल के जश्न की छटा बिखेरी। मानसरोवर पैराडाइज व पार्क स्क्वायर समेत शहर के कई होटलों पर नए साल आधी रात के बाद भी छाया रहा। कैसा सेलिब्रेट कर रही है न्यू ईयर? कैसा है न्यू ईयर? हम लोग बहुत अच्छे सेलिब्रेट, देखिए हमारा ये चर्च जो है इतने अच्छे सजे हुए हैं। कहाँ से आई हुई हैं आप? हम लोग जो है मुरादाबाद से ही है। क्या संदेश देना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए महानगर वासियों के लिए? शुभकामनाएं देते हैं सबके लिए कि न्यू ईयर जो है अगले साल के लिए बहुत अच्छा रहे, ये शुभकामना देते हैं। नए साल की मुबारकबाद। मैम नेम क्या आपका? सभ्यता नॉक्स। सभ्यता जी, न्यू ईयर कैसे मनाया? न्यू ईयर हमारे यहाँ जो है शाम को 9 बजे से लेके 12 बजे तक हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लोग तो खूब गाने गाने हो जाते हैं, बट हम लोग चर्च में बैठ के जीजस से प्रेयर करते हैं सबके लिए। और एक हमारे यहाँ ये आयत दी जाती है, आज्ञा प्रतिज्ञा जिसे हम बोलते हैं, इसमें देते हैं पूरे साल की, हमारे यहाँ साल में क्या आज्ञा दी जाती है और हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा है। पिछले साल के मुकाबले आने वाले साल में क्या अपेक्षा रखती हैं आप? क्या अपेक्षा और क्या होगा, क्या बेहतर रहेगा पिछले वाले साल के लिए, ऐसी कोई प्रार्थना करती हैं? यस सर, हाँ, ऐसे हम सब मिलकर हम लोग आपस में प्रार्थना करते हैं कि एक दूसरे के लिए कि हम इस साल जैसे हमें ऊपर भगवान ने जीएस ने हमें अच्छे से रखा है, हम चाहते हैं कि 2018 में वो इससे भी बेटर रखे और हम बल्कि उसके और नज़दीकी में जाएं जीएस के। हम लोग ये सारे सब मिलकर बैठते हैं प्रार्थना करते हैं। ज़मीन हिंदुस्तान के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हिंदुस्तान के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि मेन चीज़ है कि हमें ऊपर वाले पर विश्वास रखना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, सब एक मिल के रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग अलग अलग रहें, बल्कि एक रहना चाहिए। फादर डेनिस कौन से चर्च में? सर,
से होम सेंटर मतलब चर्च। सर आज जो न्यू ईयर का पहला दिन है और लगभग रात को 12:30 बजे, क्या आपने न्यू ईयर बनाने का संदेश दिया और क्या संदेश देना चाहिए? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक वर्ष और हम सबको जीवन में जोड़ा है, और इसलिए कि उसने ये जीवन हमें दिया है ताकि मनुष्य की सेवा करके परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हम धन्यवाद करते और देश के लिए शांति और समृद्धि की आशीष चाहते हैं, सभी नागरिकों के संपन्न जीवन की कामना करते हैं, परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। सर व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम पादी हिमांशु मनी है और मैं पूरे मुरादाबाद नगर को अपने ओल्ड सेंटर में तो चर्च की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और हमारी परमेश्वर पिता से यही प्रार्थना है कि पूरे देश के लिए, पूरे शहर के लिए यह वर्ष 2018 बहुत सी खुशी और आनंद का कारण ठहरे, और परमेश्वर में मनुष्यों के मनोरथ पूरे हों और लोग विकास की ओर बढ़ें, लोग तरक्की की ओर बढ़ें और बहुत सी खुशी और आनंद उनके जीवन। सर 2018 का न्यू ईयर है, आज जो घंटा हुआ है नए साल में प्रवेश किया है, इस संबंध में जो आपका पिछला साल रहा है उससे आने वाले साल के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं आप? हाँ, काफ़ी अपेक्षाएँ हमारी, बहुत से कार्यक्रम चर्च के द्वारा हमने लोगों के लिए बनाए हैं, बहुत से मेडिकल कैंप के लिए, बहुत से हॉस्पिटल में विजिटेशन है, जेल में विजिटेशन के लिए, गरीब बच्चों के बीच में काम उनकी सेवाओं के लिए बहुत सारे बांध। सर ऐसा कोई कार्य आपने रखा है जिससे कि गरीब लोग और जितने भी जो लोग अपने अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे गरीब बच्चों की शादियां हैं, मेडिसिन है और मेडिकलाइजेशन है बहुत सारी, तो उसके लिए आपने कोई आज अपेक्षा ली है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रोग्राम बनाया है जी, इस वर्ष 2018 में हम लोग हर 3 महीने में इस तरह के कार्यक्रम अपने चर्च के माध्यम से करेंगे, गरीब लोगों के बीच में जा करके जो जिनको किताबों की आवश्यकता है, पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए हम लोग। ये चर्च कमेटी की तरफ से होगा या इसके लिए कोई और कमेटी निर्धारित करेंगे? चर्च कमेटी की तरफ से होगा ये प्रोग्राम, और इसमें हम लोग व्यक्तिगत रीति से लोगों से संपर्क भी करेंगे और लोगों को उत्साहित करेंगे। मुरादाबाद में कुल कितनी कमेटियाँ हैं चर्च के बीच में? हमारे पास चर्च में एक ही कमेटी है और मुरादाबाद में और अलग चर्चेज हैं। कितनी कमेटियाँ हैं टोटल मुरादाबाद में? लगभग 12-13 कमेटी मान लीजिएगा मुरादाबाद में।